बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज मैं बनाने जा रही हूँ मटन कोरमा, जिसमें एक पाव गोश्त है, एक प्याज है, एक टेबलस्पून लहसुन अदरक है, एक टेबलस्पून गरम मसाला है, सब्ज़ मिर्चें हैं, एक टीस्पून लाल मिर्चें हैं, हाफ टी स्पून हल्दी है, एक टीस्पून कश्मीरी मिर्चें हैं, एक टीस्पून नमक है, आधा कप दही है और ये 2 कप यखनी है और सब्ज़ धनिया है। अब मैं सबसे पहले प्याज डालूंगी अंदर। मेरी कढ़ाई गर्म हो चुकी है। प्याज को मैं बग़ैर घी के भूनूंगी, क्योंकि मैं बग़ैर घी के खाना बना रही हूँ। जो कोरमा है उसमें घी नहीं डालूंगी। अब देखें कि प्याज ब्राउन होने लगे हैं, इसमें थोड़ा सा पानी डाल दें। इनको बिल्कुल हल्की आंच पे पकाना होता है, अगर ये जल जाए तो फिर इनका जायका ख़राब हो जाता है, तो इसलिए इसको हल्की हल्की आग पे बनाएं आप। थोड़ी देर के लिए इसको ढक दें। प्याज ब्राउन हो चुके हैं, थोड़ा सा और पानी डालूंगी। आप चाहें तो इनको ग्राइंड कर लें, चाहें तो इसी तरह थोड़ा थोड़ा पानी डाल के तो इनको मैश करते रहें, फिर ये हो जाएंगी। मैं इसको ग्राइंड करूंगी थोड़ा सा पानी डाल के। प्याज मेरे ग्राइंड हो गए हैं। अब मैं लहसुन अदरक डालूंगी इसमें। अब ये कुटा हुआ गरम मसाला है, ये हल्दी है, ये लाल मिर्चें और ये कश्मीरी मिर्च। इनको 2 मिनट के लिए पानी डाल के तो भूनते रहें। तो नमक भी डाल दें। अब इसमें हम गोश्त डाल देंगे। आधा कप दही डाल दें। इसको थोड़ी देर पकाएं इसी तरह दही को। अब इसमें धनिया डालूंगी। और सब्ज मिर्चें भी साथ डाल दूंगी।
अब इसमें हम यखनी डालेंगे जिसमें मैंने गोश्त बॉयल किया था, वही 2 कप है तकरीबन। इसको कुछ देर बॉयल होने दें। आपको जितनी थिकनेस इसमें चाहिए आप इसको इसका पानी सुखा सकते हैं। अगर आपको पतला रखना है तो पतला रखें। अभी इसको मैं 2 मिनट के लिए ढक के तो पकाऊंगी। 2 मिनट हो गए हैं और ये कोरमा तकरीबन बन गया है। इसको मैं पतला ही रखूंगी। क्योंकि मैं चावल के साथ खाऊंगी तो इसलिए मैं इसको पतला ही रखूंगी। तो ये हो गया तैयार। इसके ऊपर धनिया डाल दूंगी। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।